My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. हेलो एवरीवन, सो आज का जो वीडियो है वो है पॉन्डिचेरी से रिलेटेड. पॉन्डिचेरी आल्सो नोन एज पुडुचेरी, इट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. पॉन्डिचेरी के जितने भी मेजर अट्रैक्शंस है वो आपको एक सिंगल स्ट्रेच रोप बीच में देखने के लिए मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिटेल वीडियो. फर्स्ट प्लेस है श्री कर्णेश्वर नटराज टेम्पल. यहाँ पर रोड साइड पार्किंग है. यहाँ पर फ्री एंट्री है. मॉर्निंग टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक का. इवनिंग टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक. यह श्री कर्णेश्वर नटराज टेम्पल है, इसको पिरामिड टेम्पल भी बोलते हैं. ये जो टेम्पल है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेंटेन बाय हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट. दिस टेम्पल इज बिल्ड बाय डॉक्टर कर्ण सिंह ऑफ ऑरोविल फाउंडेशन. ये जो डॉक्टर कर्ण सिंह है ये चेयरमैन रहे हैं ऑरोविल के. ये डॉक्टर कर्ण सिंह है सन ऑफ लास्ट महाराजा ऑफ कश्मीर. इस टेम्पल का इनोग्रेशन 16 मार्च 2000 में हुआ था. 2004 में एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से ये टेम्पल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. फिर इस टेम्पल को अगेन रिबिल्ड किया गया 30 सितंबर 2006 विद द हेल्प ऑफ ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट. मंदिर के अंदर नटराज की मूर्ति है. नटराज की थर्ड आई लोकेटेड है 1/3 फ्रॉम बेस ऑफ पिरामिड. दिस इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ पिरामिड. यहाँ पर 3 स्पॉट्स है परिक्रमा के लिए, मूर्ति के अराउंड, टेंपल के अराउंड एंड कॉम्प्लेक्स के अराउंड. ये जो टेंपल है मेडिटेशन के लिए बनाया गया है. मंदिर के बाहर शिवलिंग, नंदी, गणेशा, मुर्गन की मूर्ति भी है. टेम्पल के राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर फोटो स्पॉट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो. सेकंड प्लेस है ईडन बीच. यहाँ का पार्किंग चार्ज 50 रुपीज है. ईडन बीच का ओपनिंग टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है. यहाँ पर रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है. ईडन बीच पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स देखने के लिए मिलेंगे. जब आप पानी में जा रहे हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लैग का मतलब क्या होता है. ईडन बीच का जो मेन अट्रैक्शन ये हाफ रिंग है. यहाँ पर आपको कोकोनट प्लांटेशन भी देखने के लिए मिलेगा, अम्ब्रेला हट्स भी देखने के लिए मिलेंगे. ईडन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2019 में मिला है. ये
ये जो सर्टिफिकेशन है ये इशू किया जाता है FEE से। FEE का फुल फॉर्म है द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। फोर स्टैंडर्ड्स है जिसके बेस पर ब्लू फ्लैग दिया जाता है। फर्स्ट है वाटर क्वालिटी, सेकंड सेफ्टी, थर्ड पब्लिक एनवायरमेंट एजुकेशन, फोर्थ एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ये जो सर्टिफिकेट है ये एक साल के लिए दिया गया है। यहाँ पर कैमल राइड्स, हॉर्स राइड एंड ATV राइड्स भी अवेलेबल है। ATV राइड्स के चार्जेस 300 पर हेड है। ये जो FEE है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर डेनमार्क में है। ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में इन 1985 में एंड एरियाज आउट ऑफ यूरोप इन 2001। सोमा ने रवि को चैलेंज दिया कि 2 सेकंड के अंदर पाँव निकालना है। एक और चैलेंज, इस बार दोनों पाँव डलेंगे मिट्टी में। अगेन रवि बोन। फर्स्ट ब्लू फ्लैग इंडिया में चंद्रभागा बीच को दिया गया था। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बीचेस को, मैरिनास को एंड सस्टेनेबल बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिए जाते हैं। थर्ड प्लेस है सेरेनिटी बीच। ये सेरेनिटी बीच है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर सनराइज व्यू। सेरेनिटी बीच इज वन ऑफ द टॉप बीचेस इन पांडिचेरी। इट इज वेरी अट्रैक्टिव बीच। यहाँ की सैंड गोल्डन सैंड है। यहाँ के शोर पर आपको पाम ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर स्टोन ब्रिज है, इस पर बैठकर आप सनराइज देख सकते हो। सनराइज के टाइम पे जो व्यू आता है यहाँ पर बहुत ही सुंदर आता है। बीच पर आप सर्फिंग, सनबाथिंग एंड चिल आउट कर सकते हो बीच कैफेज पर। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू सोक इन द ब्यूटी ऑफ द बीच। ये बीच ओवरक्राउडेड नहीं है। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आता है बे ऑफ बंगाल का। फोर्थ प्लेस है न्यू लाइट हाउस। इस टावर की हाइट 151 फीट है, दैट इज 46 मीटर। इस टावर पर मार्किंग ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ का टाइमिंग है 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का। एडल्ट की टिकट 10 रुपीज है, चाइल्ड की टिकट 5 रुपीज है, कैमरा 20 रुपीज, वीडियो कैमरा 25, फोनर्स की टिकट 25 रुपीज है। मंडे को ये बंद रहता है। इस टावर का शेप हेक्सागोनल है जिसमें बालकनी एंड लैंटर्न है। यहाँ पे टॉप पे जाने के लिए आपको 250 स्टेप्स मिलेंगे। कोई लिफ्ट नहीं है टॉप पे जाने के लिए। एयर रुक के थोड़ा सांस ले लेती हूँ, थक गई। जब आप टावर के टॉप पे पहुंचते हो तो
वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आपको टाइम अलॉट करेगा जो कि मैक्स 10 मिनट्स होता है। आप यहाँ पर मैक्स 10 मिनट्स तक रुक सकते हो। जब आपका टाइम ओवर हो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड आपको वहाँ से भेज देता है। यहाँ से आप कोस्ट लाइन देख सकते हो एंड सेतु का 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हो। ओल्ड लाइट हाउस 1836 में बना था। 19th सेंचुरी में फ्रेंच रूलर्स ने बनाया था इसको। ये एक सिलेंड्रिकल टावर है विद बालकनी एंड लैंटर्न। इस पे जो मार्किंग है वाइट कलर का तो टावर है एंड इस पे ग्रीन कलर का एक टावर। इसकी जो हाइट है 27 मीटर डेट इज 89 फीट। ये जो न्यू लाइट हाउस है 1979 में बनाया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टावर में 11 फ्लोर्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिफ्थ प्लेस है पोंडी मैरीना बीच। यहाँ पर पार्किंग फी एंट्री फी फ्री है। रेस्ट रूम भी अवेलेबल है यहाँ पर। पोंडी मैरीना बीच एक न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि लोकेटेड है न्यू लाइट हाउस के पास। ये 1.5 किलोमीटर है फ्रॉम वाइट टाउन। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एटीवी राइडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर पैरा मोटरिंग भी अवेलेबल है। आप यहां पे लाइव बड़ी बड़ी शिप को देख सकते हो। आप यहाँ पर फिशरमैन को फिशिंग करते हुए भी देख सकते हो। अगर आपको भी फिशिंग करना पसंद है आप भी कर सकते हो यहाँ पे। सिक्स्थ प्लेस है रोप बीच। ये रोप बीच है, इसी को पौंडीचेरी बीच भी बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी बीच भी बोलते हैं। रोप बीच का नाम रोप बीच इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीच पर रोप्स रखी हुई है। ये बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए और स्विमिंग के लिए ओपन नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ वॉक कर सकते हो या जॉगिंग कर सकते हो। इस बीच के पास में आप व्हीकल्स भी नहीं ले जा सकते। रोप बीच वाइट टाउन में है। इसकी एंट्री फी फ्री है। यहाँ का जो टाइमिंग है वो 24/7 आवर्स है। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर सनराइज एंड सनसेट व्यू। ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। ये 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर आपको पौंडीचेरी के मेजर अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेंगे। रॉक बीच के जो मेजर अट्रैक्शन हैं वो है फ्रेंच वॉर मेमोरियल, महात्मा गांधी स्टैचू, भारती पार्क, श्री औरबिंदो आश्रम, स्टैचू ऑफ डिपियर्स। फ्रेंच वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन 3 अप्रैल 1938 में हुआ था। इस मेमोरियल को डेकोरेट करते हैं एवरी ईयर 14 जुलाई को। सेवंथ प्लेस है सैंड्यून्स पैराडाइज बीच। लास्ट 1 किलोमीटर की रोड काफी बम्पी है। रोड पूरा फूटा हुआ है यहाँ का। यहाँ पर इनफ पार्किंग स्पेस है। यहाँ की एंट्री फीस 70 रुपीज़ पर हेड है। DSLR के चार्जेस 200 है।
ड्रोन की 3000, वेडिंग फोटो शूट के लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं। अगर टैक्सी ड्राइवर यूनिफॉर्म में है तो उसकी एंट्री यहाँ पर फ्री है। यहाँ का बीच सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन है। रेस्टोरेंट यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ओपन है। रेस्टोबार सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक। वाटर एक्टिविटीज़ का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक है। लैंड एक्टिविटीज़ का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक है। ईडन बीच से सैंड ड्यून बीच आने के 3 वेज हैं। ईडन बीच से सैंड ड्यून बीच बाई बोट भी आ सकते हो आप, बाई वॉक भी आ सकते हो एंड बाई रोड भी आ सकते हो आप। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ है लाइक एक्वा पार्क, जेट स्की, स्पीड बोट, प्लेजर बोट, डोनट राइड, बनाना राइड, कायाक, जॉब रोलर, डिस्को राइड, याच राइड। यहाँ पर जॉब रोलर किड्स के लिए अवेलेबल है, किड्स बिलो 15 kg। यहाँ पर 3 डॉकिंग एरिया है, डॉक 2 पर स्पीड बोट, कायाक, एक्वा पार्क अवेलेबल है। डॉक 1 पर जेट स्की, डोनट राइड, बनाना राइड, प्लेजर बोट अवेलेबल है। अभी तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान में आ गए। यहाँ पर कैमल राइड, हॉर्स राइड, एटीवी भी अवेलेबल है। एटीवी के 300 पर हेड है। अगर आपके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल है। अगर आप भूल जाओ कपड़े लेके आने तो आप टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर पैरामोटरिंग भी अवेलेबल है। पैरामोटरिंग के चार्जेस 4000 रुपीज पर हेड है, जो कि आपको 7 मिनट्स का राइड करवाते हैं और आपको 100 से लेके 300 फीट की हाइट के ऊपर तक लेके जाते हैं।
बच गई मैं। सही सलामत वापिस आ गई।